सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में, जिसका नाम है माइंड ऑफ जुगाड़ू। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने रेफ्रिजरेटर को लॉन्ग टाइम तक के लिए सही तरीके से रख सकते हैं। या फिर आपका कंप्यूटर रेगुलरली कंटिन्यू रनिंग में रहता है तो वो भी आप अपना घर पर ही बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, ये मेरा एलजी का रेफ्रिजरेटर है। तो इस रेफ्रिजरेटर की जो गैस्केट है काफ़ी गंदी हो गई है और हमको इसे निकाल लेना है। एक्चुअल में होता क्या है, ये गैस्केट जो है ठंडी हवा को बाहर निकलने से रुकती है। अगर ये गैस्केट कहीं से लीक या गंदगी से भर जाती है तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करती, जिस कारण हमारा कंप्रेसर रेगुलरली कंटिन्यू कूलिंग करता रहता है। कूलिंग करने के लिए कंप्रेसर रेगुलर इसलिए चलता है क्योंकि कूल हवा जो ठंडी हवा है वो बाहर निकलती है। तो अब मैंने ये गैस्केट बाहर निकाल ली है, तो मैं आपको बताता हूँ इस गैस्केट को किस तरह घर पर ही साफ कर सकते हैं। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कितनी गंदी हो चुकी है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए एक टूथब्रश या टूथब्रश और कुछ पानी। एक मग में पानी भरकर आप टूथब्रश की सहायता से इसकी कोनों पर अच्छी तरीके से लगाएंगे। इसकी कोनों में भरी धूल साफ हो जाए, जिससे आपकी इस गैस्केट की लाइफ बढ़ेगी और ये गैस्केट पंचर नहीं होगी, यानी कि लीक नहीं होगी। और अगर ये गैस्केट आपकी ज़्यादा लीक है तो आपको मैं सजेशन करूँगा आप इस गैस्केट को नया डालें, इससे आपकी कंप्रेसर की लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी और आपका बिजली की बचत हो। तो पहले हम इस गैस्केट को अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं। अगर आपकी गैस्केट ज़्यादा गंदी है तो आप मग में पानी में एक शैम्पू डालें, डिटर्जेंट ना डालें, डिटर्जेंट से सॉफ्ट रबड़ खराब हो जाएगी। डिटर्जेंट हार्ड होता है, इसलिए हम शैम्पू का यूज़ करेंगे, उसमें हार्डनेस कम होती है। तो इसे अच्छी तरह टूथब्रश से रगड़ लें। देखिए, इस तरह मैं इसे ब्रश की सहायता से रगड़ रहा हूँ और जैसे ही ये साफ हो जाए आप इसे थोड़ा सा धूप में सुखा कर रख दें। इसके बाद चलिए, ये हमारी रबड़ साफ हो चुकी है। उसका लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप एक लेफ्ट या राइट साइड के कोने से इसको लगाना स्टार्ट करें। ये देखिए, हल्का सा पुश करें, हल्का सा प्रेस करें और फिर इसको प्रेस कर दें। और इस तरह इसको प्रेस कर, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं किस तरह इसको प्रेस कर रहा हूँ। अगर आपकी गैस्केट खराब है या कहीं से लीक करती है ज़्यादा, तो आप इसे नई डाल दें। और अगर थोड़ा सा छेद या छोटा सा दिखता है तो आप उसमें रुई लगाकर एक टेप लगा दें सेलो, जिससे वहाँ से लीकेज बंद हो जाएगी। उस छेद में थोड़ी सी रुई लगा दें अंदर और फिर एक टेप मार। ये देखिए, मैंने अपनी गैस्केट लगा दी है और प्रॉपर तरीके से चारों तरफ से आप गैस्केट चेक कर लें, कहीं कोने से भी ये लीक ना हो या कहीं प्रॉपर लगी ना हो। अगर ये प्रॉपर फिक्स नहीं होगी तो आपकी कूलिंग बाहर निकल जाएगी और ये सही तरीके से वर्क नहीं करेगी। आप डोर के लार्ज साइड के हिस्से पर पेट्रोलियम जेली लगा लें, इससे फ़ायदा ये होगा वहाँ की डोर गैस्केट सॉफ्ट हो जाएगी और गैस एयर कूलिंग नहीं निकलेगी। अगर आपका फ्रिज बर्फ ज़्यादा गंदी है तो उसको डीप फ्रीज कर छोड़ दें। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।